साउथ एक्ट्रेस पूजा हेगड़े और बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की दोस्ती को फैंस ने दिया रिलेशनशिप का नाम। दोनों को कई बार क्लोज देखने के बाद फैंस को लगा दोनों कर रहे हैं एक दूसरे को डेट, लेकिन फैंस की इस मिसअंडरस्टैंडिंग को पूजा ने कर दिया क्लियर। पूजा का सलमान के साथ क्या है रिश्ता, चलिए जानते हैं। अक्सर बॉलीवुड में कभी किसी के रिलेशनशिप की खबरें आती है तो कभी किसी के ब्रेकअप की खबरें। भाई ये बॉलीवुड है जहां हमेशा कुछ ना कुछ पकता ही रहता है। सूत्रों से आई खबर के मुताबिक काफी दिनों से खबर आ रही है कि सलमान और पूजा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। कई बार सलमान और पूजा को एक साथ स्पॉट भी किया गया है। दोनों को हमेशा इतना क्लोज देखने के बाद फैंस को लगा कुछ तो गड़बड़ है। वेल, सलमान का नाम अब तक कई एक्ट्रेस के साथ जोड़ा जा चुका है और अब सलमान के साथ नया नाम जुड़ गया है पूजा हेगड़े का। भाईजान सलमान खान इन दिनों अपनी फिल्म किसी का भाई किसी की जान के प्रमोशन में काफी बिजी है। ये फिल्म 21 अप्रैल को रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म के जरिए पहली बार सलमान और पूजा हेगड़े स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। अब तक दिखाए गए ट्रेलर और गानों में इनकी जोड़ी को ऑडियंस ने काफी पसंद किया। एक और फिल्म की रिलीज डेट नजदीक आ गई है तो दूसरी तरफ सलमान और पूजा हेगड़े की डेटिंग की खबरों ने सुर्खियों का बाजार गर्म कर दिया है। लंबे समय से ये चर्चा हो रही है कि सलमान खान और पूजा हेगड़े एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इन रूमर्स को तब और हवा मिल गई जब सलमान पूजा के भाई ऋषभ हेगड़े की शादी में पहुंचे। हालांकि कई महीनों की चुप्पी के बाद अब पूजा हेगड़े ने इन रूमर्स पर अपना रिएक्शन दिया। पूजा हेगड़े ने बताया कि वे अभी सिंगल है और काम के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर उनका आना जाना लगा हुआ है। उनके पास इतना समय ही नहीं कि वे बैठी रहे और इस तरह के अफवाहों का जवाब दे सके। बता दें कि किसी का भाई किसी की जान में पूजा हेगड़े सलमान खान की लेडी लव बनी है। दोनों के बीच की कमाल की केमिस्ट्री अब तक के रिलीज किए गए गानों में देखी जा चुकी है। फरहाद सामजी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में राघव जुयाल, सिद्धार्थ निगम, पलक तिवारी और शहनाज गिल भी है। फिल्म में पूजा हेगड़े तेलुगु लड़की के रोल में नजर आएंगी। खैर, सलमान और पूजा की जोड़ी को लेकर आपका क्या रिएक्शन है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, इन24 न्यूज़, मुंबई।